हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 विच इज़ कॉनिक सेक्शंस. ओके, सो कॉनिक सेक्शन हम लोग स्टार्ट करें. सो जस्ट उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को यही लर्न करना है कि जैसे हमने 10 चैप्टर में देखा था कि लाइंस को हमने डिटेल में स्टडी किया, राइट, कि प्लेन्स में हमें लाइंस ड्रॉ करनी हो, उसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस बनाने हो, देन हम लोग उसके इक्वेशंस है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, स्लोप जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट. सेम वे में कॉनिक सेक्शन जो है उसमें आप लोगों को लाइन से हटके कुछ कर्व्स है उसके इक्वेशंस फाइंड करने, राइट. जैसे आप लोग प्लेन में कुछ ड्रॉ करते हो तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ लाइन ही मिलेगी, राइट. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हमारे पास अवेलेबल है, राइट. और कॉनिक सेक्शन इसीलिए कि अगर आप लोग कोई एक कॉनिक लेते हो जो दो साइड से कनेक्टेड है, राइट, कौन शेप अगर आप लोग ले रहे हो, एक सीधा और एक उल्टा, राइट. सो ऐसे आप लोग एक कौन ले रहे हो और उसमें आप लोग कुछ प्लेट बीच में रख रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, राइट, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स जो है वो मिलेंगे. सो बेसिकली हमें जो कर्व्स लर्न करने हैं, जो फर्स्ट आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ है विच इज़ सेक्शंस ऑफ कॉन, तो वो आप लोगों के सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है, तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. जस्ट मैंने बोला कि उसका बेसिक इतना ही है, आप लोग अगर फिगर्स देखोगे टेक्स्ट बुक में तो ईजीली समझ में आ जाएगा कि कुछ इस तरह के कॉन अगर आप लोग ले रहे, राइट, और उसमें आप लोग कुछ इस तरह से बीच में प्लेन ऐड कर रहे हो, कोई प्लेट ऐड कर रहे हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे देख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है वो मिले, राइट. डिफरेंट डिफरेंट कर्व वहाँ पे जनरेट होंगे और उस टाइप के टोटल 4 कर्व्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें स्टडी करना है, राइट. सो उसमें फर्स्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो है सर्कल, देन हम लोग बात करेंगे पैराबोला, देन एलिप्स एंड देन हाइपरबोला. ओके, सो टोटल 4 शेप्स जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है. ये जो 4 शेप्स आप लोगों को दिया हुआ है विच इज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, तो वो आप लोगों को डिटेल में स्टडी करने, जैसा मैंने बोला कि आप लोगों के प्लेन एंड कोण के बीच के जो एंगल होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो मिलते जाएंगे, राइट. वो टेक्स्ट बुक में अच्छे से आप लोगों को फिगर के साथ दिया हुआ है, बट अभी के लिए आप लोगों को जस्ट इतना नॉलेज रखना है कि कोण के लिए अगर आप लोग कहीं पे प्लेट रख रहे हो और वहाँ पे एंगल चेंज करवा रहे हो तो कुछ इस तरह की शेप्स आप लोगों को मिलेंगी, राइट. सो फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट शेप्स शेप हमें दिया हुआ है विच इज़ सर्कल, राइट. तो सर्कल के लिए बहुत सारे डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके, राइट, कि सर्कल के लिए सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, राइट, देन आप लोग कॉर्ड ड्रॉ करते हो. ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं जो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हो, राइट. सो वही सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी है, बट अब क्या है कि अब आप लोगों को सर्कल के इक्वेशंस बनाने, राइट. हम जो भी 4 शेप्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यही फॉलो करेंगे कि फर्स्ट आप लोगों को उसके जनरल इक्वेशंस देखने हैं कि सपोज सर्कल है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या है, फिर उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें फाइंड करनी. सपोज हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल के लिए 2 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज़ उसका सेंटर एंड सेकेंड वन इज़ उसकी रेडियस, राइट. सो यही 2 चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, देन सर्कल के इक्वेशंस डिफाइन करेंगे, राइट. उसका उल्टा कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमें सर्कल सेंटर फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो हर एक शेप में, हर एक कर्व में ये दोनों वे से हम लोग क्वेश्चंस जो है वो करें, राइट. सो सबसे पहले आप लोगों को उसके जनरल इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं एंड देन हम लोग उसकी फर्दर स्टडी जो है उसके रिलेटेड सम्स जो है वो करें. ओके, सो जैसे हम लोग सर्कल की बात करें तो आप लोगों को उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी पता है कि सर्कल जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, राइट. कि कोई एक पॉइंट ले लो, उससे आप लोग इक्विडिस्टेंस पे जो पॉइंट लेते जा रहे हो उसका पूरा सेट, दैट मीन्स कि अगर उसको ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सर्कल,
राइट right? और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर। एंड जो डिस्टेंस आप लोगों को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। ओके सो ये बेसिक सी चीज़ जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सपोज़ ये आप लोगों का सेंटर है, उसके इक्विडिस्टेंट पे जितने भी पॉइंट हैं राइट उन सभी का आप लोग सेट लोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सर्कल। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर कहेंगे एंड जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। और वो रेडियस पूरे सर्कल में सेम ही होगी राइट सो वो आप लोगों को पता है। सो अब आप लोगों को क्या देखना है कि सपोज़ आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले रहे हो एच के राइट सो वो आप लोगों का सेंटर हो जाएगा और सपोज़ वहाँ से आप लोग सर्कल दो ड्रॉ कर रहे हो तो इस टाइप का सर्कल आप लोगों को मिलेगा राइट सो अगर आप लोगों के पास सेंटर है, सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट है जैसे कि पी एक्स वाई राइट एंड रेडियस को अगर आप लोग आर कह दो तो सर्कल का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है कि सपोज सी हमें गिवन है, एच एंड के सर्कल का सेंटर एंड रेडियस हमें गिवन है एंड देन हमें अगर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए ये वाली जो फॉर्म्यूला है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी राइट कि डिस्टेंस फॉर्म्यूला अगर आप लोग वहाँ पे यूज़ करोगे देन आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर राइट जहाँ पे एक्स वाई जो है वो सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट है, एच एंड के जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड आर इज अ रेडियस राइट सो इतनी चीज़ें दिमाग में क्लियर रखनी है कि अगर हमें रेडियस एंड सेंटर पॉइंट्स दिए हुए हैं ओके ये दो चीज़ की सेंटर दिया हुआ है एंड रेडियस दी हुई है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सर्कल का इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं राइट सो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ साथ में ये ध्यान में रखना कि ऑब्वियस है कि अगर आप लोगों का सेंटर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है दैट मीन्स कि आप लोगों का सर्कल का सेंटर ओरिजिन है ओके सो आप लोगों के सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है यहाँ पे एच एंड के की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी सो इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओके सो ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटर ज़ीरो हो, हमने ये वाले इक्वेशंस पहले यूज़ किए हुए हैं सर्कल के राइट सो जब भी आप लोगों का सेंटर ओरिजिन हो तो वहाँ पे सेंटर सर्कल का इक्वेशन क्या ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये तो बात हो गई कि अगर आप लोगों को सेंटर दिया हुआ है एंड रेडियस गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हो, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हम लोग लाइंस के इक्वेशंस फाइंड करते थे पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ वैसे। बट अगर इसका उल्टा दिया हुआ हो तो दैट मीन्स कि सपोज़ हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एंड देन हमें बोला हुआ है कि आप लोग सेंटर फाइंड करो या तो रेडियस फाइंड करो राइट सो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप के सर्कल के इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन जो है वो कुछ इस टर्म में मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो राइट सो ये जो आप लोग जब भी सेंटर एंड रेडियस की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस टाइप का सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर भी आप लोग सर्कल के इक्वेशन को लिखना है तो इस फॉर्म में आप लोगों को इक्वेशंस जो है वो मिलेंगे राइट अब क्या है कि अगर ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें बोला हुआ है कि सेंटर एंड रेडियस जो है वो फाइंड करो देन आप लोगों को क्या करना है कि जो भी इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है राइट सर्कल का उसको ये जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जैसे आप लोग लाइंस में करते थे सेम चीज़ बोल रहे हैं राइट वहाँ पे लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी फाइंड करते थे, यहाँ पे ये आप लोगों का जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है राइट सो वहाँ पे आप लोगों को कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो तीन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, फर्स्ट वन जो है वो एफ देन जी एंड देन सी राइट एंड ये तीन वैल्यू फाइंड करने के बाद आप लोगों को जो सेंटर अगर फाइंड करना है राइट
सो सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, माइनस जी एंड माइनस एफ, राइट। सो जब भी आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन गिवन है एंड सेंटर फाइंड करना है, सो फर्स्ट उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, देन एफ जी एंड सी की वैल्यू फाइंड करो, एंड देन आप लोगों का सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ। एंड अगर आप लोग रेडियस दैट मीन्स कि आर की बात कर रहे हो, तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होगी, सो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके। सो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को रिवर्स प्रोसेस के लिए ध्यान में रखनी है, राइट। वन मोर थिंग कि जब भी आप लोग रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एंड आप लोगों को सेंटर रेडियस फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना जब आप लोगों को सिंप्लीफाई करके सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ हो, राइट। सपोज आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहाँ से तो आप लोग डायरेक्ट इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके एच के एंड आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। सो वहाँ पे फिर वो लंबी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट जब भी सिंप्लीफिकेशन वाले सर्कल के इक्वेशन दिए हुए हो और वहाँ पे आप लोगों को सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए बोला हुआ हो, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाली जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखनी है, राइट। सो जस्ट ये दो फॉर्मूला है और सेंटर के जनरल इक्वेशन, सॉरी सर्कल के जनरल इक्वेशन है, तो यही आप लोगों को ध्यान में रखने, ओके। सो सर्कल के लिए इतनी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, सारी जो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को बताई वो सारी आप लोगों को नोट डाउन करनी है विथ फिगर, राइट। सो एक बार जो सर्कल की ये बेसिक से फिगर आप लोगों को दी हुई है वो ड्रॉ करना एंड देन उसकी फॉर्मूलाज लिख लेना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस है जो सर्कल पे बेस्ड है वो करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।